हाँ जी, ये किस तरह का जो इंद्रिय हलके में जो माहौल आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? इंद्रिय हलके में जहाँ भी हम जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि एक तरफा माहौल है और हमें तो कोई किसी गांव में किसी पार्टी की गाड़ी कुछ और सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। इंद्रिय हलके के लोग ही अपना चुनाव खुद लड़ रहे हैं। किस पार्टी से टक्कर नजर आ रही है आपको? किसी पार्टी से कोई टक्कर नहीं आया क्योंकि हम पहले सोच रहे थे बीजेपी से टक्कर है, 3-4 दिन से देख रहे हैं। वो परसों नायब सैनी जी आए इंद्रिय में जलसा करने के लिए, वहाँ लोग ही नहीं आए। और कल मैंने देखा भी, टीवी में भी देखा, मुख्यमंत्री जी रैली करने आए, वहाँ सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। जितने कल मुख्यमंत्री जी की रैली में आदमी थे उतने तो यहाँ दड़ गांव में इस समय मौजूद है, उनकी रैली में जितने आदमी थे। सुना मुख्यमंत्री जी काफी नाराज हुए हैं और उन्होंने झाड़ भी लगाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे। शायद ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बाहर के व्यक्ति को जो टिकट दिया वो गलती हुई है शायद उनसे, आप क्या मानते हैं? जब अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान तो करना चाहिए कि दूसरे जिले के लोगों के ऊपर ये विश्वास करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पार्टियों से अपनी पार्टी को उम्मीदवार बना रहे हैं, तो कार्यकर्ता तो कोई भी हो सहन कैसे करेगा। तो ये बाहरी मुद्दा, बाहरी और हल्के का जो स्थानीय व्यक्ति है उसका मुद्दा है क्या यहाँ पर? इंद्रिय हल्के की पंचायत का फैसला हुआ है ये, इसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि 52 साल हो गए हैं। पहले मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे, 5वां चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान की बात आई, मैं भी विधायक रहा, जितना टाइम मैं विधायक रहा मैंने एक एक कार्यकर्ता का जो भी मेरे पास काम आया मैंने उससे ये नहीं पूछा कुछ गांव का है, ये नहीं पूछा मैंने किस जाति का है। मैं जो भी मेरे पास काम आया, चाहे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम था, स्टेट लेवल का काम था या दिल्ली लेवल का काम था, मैंने उनके काम करवाए भी और नहीं किसी का काम हुआ मैंने कोशिश जरूर की। अच्छा, ये जो चुनाव रहा है इसमें क्या मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हार मान चुके हैं, उनके यहाँ भीड़ नहीं आ रही है, क्या मानते हैं आप? जब वो रैलियाँ कर रहे हैं उनके रैली में आदमी नहीं आ रहे हैं तो फिर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। क्या चीज? जब जिस गांव में, जिस इंद्रिय प्रॉपर में जो गांव है वहां आदमी नहीं इकट्ठे होते, वो चले जाते हैं। अच्छा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये 75 पार की बात करते हैं, ऐसे में यहाँ आप अपनी जो जीत है उसको किस रूप में देखते हैं, कैसे जीत पाओगे आप? कहीं 75 पार बातों में है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है उत्साह देखते हुए सभी भाइयों का, सभी जातियों का सहयोग करके। पिछले चुनाव में तो हमारा यहाँ जब पिछले चुनाव में इतना समर्थन, जब पिछली बार मैं विधायक बना कुछ भी इतनी बात नहीं थी जो अब की बार बात है। और सभी साथी मिलके भाई 36 बिरादरी के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 लाख से पार ऊपर वोट इंद्रिय हल्के की वोट अपने हल्के के लिए।